Hello, a very good day to all the students. Today we are learning class 8 science, chapter number 7, metals and nonmetals. All the objects or materials in the world are made up of elements. हम सबको पता है कि जितने भी objects हैं वो किससे बने हुए हैं? Elements से बने हुए हैं, compounds से बने हुए हैं, mixtures से बने हुए हैं. तो हम सबको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे बने हुए हैं? कंपाउंड्स. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स इन द वर्ल्ड, जितने भी हमारे पूरी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, खाने की चीज़ हो, वेस्ट करने की चीज़ हो, अनयूज चीज़ हो, यूज चीज़ हो, आपके काम की हो या ना हो, वो सारे चीज़ किससे बने हुए हैं? वो सारे चीज़ एलिमेंट से बना हुआ है, कंपाउंड से बना हुआ है और उसके मिक्सचर से बना हुआ है. ठीक है, तो अब सारी चीज़ें बनी हुई है. जब दुनिया शुरू हुई तब हमने क्या किया, या हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वो जब जैसे अपनी ज़िंदगी जीते थे, जीते थे एज इन वो अपनी ज़िंदगी में उन्हें क्या मिलता था, लाइक उनको उनको फ्रूट्स मिलते थे या एनिमल्स मिलते थे, बस और कुछ नहीं था. ना टेक्नोलॉजी थी, ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था शुरू में, ना कुछ भी नहीं था. हाँ, ओनली धरती थी और कुछ लोग थे. ठीक है, तो फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों ने भी लर्निंग किया. मतलब इंसान ने क्या, इंसान का क्या खासियत है कि इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता है. ओके, सो हमने क्या किया, हमने शुरू ऐसा ऐसा सीखना शुरू किया कि दुनिया में कैसे जीना है. तो हमको फिर पता चला कि आग कैसे जलाई जाती है, फिर हमें पता चला कि चीज़ों को पकाकर खाना चाहिए, फिर हमें पता चला कि हमारे बॉडी को ढकना चाहिए, तो पत्ते की जगह फिर हमने कुछ कॉटन वगैरह बनाना शुरू किया. तो ऐसे करते करते हमें चीज़ों का पता चलते गया. फिर उसी में जब हम सीखते गए तो कुछ लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, पैशनेट होते हैं अबाउट रिसर्चिंग एंड लर्निंग, तो जैसे हम उन्हें साइंटिस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर हम चीज़ों को क्लासीफाई करें, अगर हम चीज़ों को क्लासीफाई करें, मतलब अगर हम चीज़ों को कैटेगरी में बांट दें तो हमें आसानी होगी कि ये चीज़ इस काम की है, ये चीज़ इस काम की है, ये चीज़ इस काम की है. ठीक है, तो हमने चीज़ों को तीन कैटेगरी में बांटा साइंटिस्ट ने. एक है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, तीसरा है मेटालॉइड्स. ठीक है, मेटल्स हम सबको पता है, जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ मेटल्स है. मेटल्स है तो उनकी कुछ हाँ तो सॉरी जैसे कि मेटल्स हो गया. ठीक है, तो ये मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी फिर, तो इसको भी उन्होंने दो कैटेगरी में डिफाइन किया है. एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने फर्दर उसको क्लासिफिकेशन किया कि उसके और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, तो हमें जनरली क्या पता है मेटल्स के बारे में, कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेटल हीट का भी अच्छा अच्छा हीट भी अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है. ठीक है, मेटल वैलेंसी लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है. ठीक है, तो ये सब हमें छोटा मोटा चीज़ पता है, तो बाकी का डिटेल में हम यहाँ पे सीखेंगे. हाँ, तो जैसे मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पूरे चैप्टर्स में देखो, पूरा चैप्टर अगर मैं आपको एक माइंड मैप बना के बताऊं तो चैप्टर ऐसा है कि चैप्टर इज अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो वी हैव ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल इन द वर्ल्ड, वी हैव डिवाइडेड इनटू देम इनटू थ्री पार्ट्स व्हिच इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे. फिर जितने भी मेटल्स हैं और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सॉरी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिर है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. हाँ, ये मेटल्स के बारे में है और ये नीचे थोड़ा आपको नॉन मेटल्स का भी मिल जाएगा. ठीक है, विल सी विद दिस. देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो तो घूम जाते हो. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, मेटल्स की फिजिकल स्टेट, पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल स्टेट. ऐसे टोटल अराउंड 10 पॉइंट्स है टिल सोनोरिटी. ठीक है, फिजिकल स्टेट, लस्टर, हार्डनेस, उसके बाद में डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोनोरिटी. तो आई ट्राई टू गेट इट इन द सिंगल फ्रेम, फिर भी डक्टिलिटी गया ऊपर से, ठीक कोई बात नहीं. फिजिकल स्टेट, अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टे इन सॉलिड स्टेट.
तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, सॉलिड स्टेट मतलब क्या, सॉलिड स्टेट मतलब हार्ड वाला स्टेट जो होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, एक बचता है सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में ये रहता है, मेटल हमेशा क्या रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, ये उसका फिजिकल स्टेट है, मतलब वो बाहर से कैसा है तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। लेकिन मर्क्यूरी एंड गैलियम ये दो ऐसे हैं जो मेटल्स हैं लेकिन वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। तो इसमें फिजिकल स्टेट में दो चीज़ याद रखनी है हमें, एक तो कि ये वो सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन उसमें भी मर्क्यूरी गैलियम ऐसे मेटल्स हैं जिनका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, ठीक है। सेकेंड इज लस्टर, लस्टर मतलब क्या, शाइनिंग, पॉलिश है। तो जब भी हम किसी भी कॉपर वेसल को कट करेंगे या आयरन को आप कट करोगे, कोई भी मेटल को आप कट करोगे ना, तो वो शाइन करता है, वो पॉलिश करता है, वो चमकता है, ठीक है। तो हमने बहुत बार देखा होगा जो क्या उसको बोलते हैं, लोहार जो होता है ना, लोहार जो होता है वो क्या करता है ना, जब भी वो लोहे को कट करता है ना, तो हमें उसका एक शाइन पार्ट दिखता है। या फिर हम किसी वेल्डिंग शॉप में देखते हैं, कब जब कोई चीज़ कटिंग हो रही है, या कंस्ट्रक्शन साइट पे हम देखते हैं कि कोई कोई मेटल वो कट कर रहे हैं या मेटल को हैमर कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, अगर उसमें से स्पार्क भी निकलता है, लेकिन वो अगर कट हो रहा है तो उसका जो कट वाला एज है वो शाइन करता है। सो लस्टर मतलब क्या, लस्टर मीन्स शाइन करना, ठीक है। ये देखो मतलब उस पर कोई चीज़ गिरेगी तो वो शाइन करेगी, क्लीन एंड फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल एंड द मेटल लुक्स लस्टरस। मतलब आप मेटल को, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप मेटल की कोई चीज़ को, आपने पुराना सिक्का देखा होगा, कॉइन देखा होगा, पैसा देखा होगा चिल्लर वाला, तो उसको आप अगर लेमन से घिसोगे ना, तो लेमन से घिसने के बाद में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि उसका शाइन उभर के आएगा, तो वो उससे हम कहते हैं। सो लस्टर मतलब पॉलिश होना, शाइन होना, चमकना, पहला पॉइंट था फिजिकल स्टेट, सेकंड है लस्टर, थर्ड है हार्डनेस। मेटल्स हार्ड होते हैं, हम सबको पता है, मेटल्स आपको पता है ना, गोल्ड हार्ड होता है, आयरन हार्ड होता है, कॉपर हार्ड होता है, तो ये सारे हार्ड मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो पहला था फिजिकल स्टेट, सेकंड है, देखो स्टडी करते करते लर्निंग थोड़ा बहुत तो हो जाना चाहिए, दैट इज व्हाट स्टडी इज ऑल अबाउट। नहीं तो ऐसा बस पढ़ो और बुक क्लोज करो और कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर वो मतलब कुछ इज्जत नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट, लस्टर, हार्डनेस एंड थर्ड पॉइंट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब बीइंग फ्लेक्सिबल, ठीक है। कोई भी चीज़ जब हम लोग किसी भी चीज़ को हम स्ट्रेच करते हैं ना, अरे ओ भाई, हाँ ओके, आई एम सॉरी, हाँ यहाँ पर है हाईलाइट, मुझे लगा वो कहाँ बटन चला गया। ओके सो डक्टिलिटी मतलब हमने देखा, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हैव यू एवर गॉन टू अ गोल्ड स्मिथ शॉप, हैव यू सीन द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ वायर ऑफ गोल्ड। कभी आपने देखा कि गोल्ड स्मिथ जो है, ज्वेलर्स वाला है, जो कारागिर होता है, वो क्या करता है ना, वो गोल्ड की वायर बनाते रहता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसको वायर बनाएगा तभी तो उसको छोटे छोटे शेप देगा ना, या उसमें डिजाइन बनाएगा। वो गोल्ड के टुकड़े को लेके थोड़ी ना उसका कुछ मतलब, एक ही गोल्ड का टुकड़े का प्लेट थोड़ी ना बनाएगा वो, तो वो क्या करता है, उसको खींचता है। सो व्हेन मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल इट्स वायर इज फॉर्म्ड। जब भी हम मेटल को पकड़ के खींचेंगे ना, तो क्या होगा, एक वायर बनेगी खींचने के बाद। तो ये जो खींचने की है ना, खींचने की जो जो एबिलिटी है जिससे वो खींच जाता है, खींचेंगे तो खींच जाता है, उसको बोलेंगे डक्टिलिटी। तो इसको और एक शब्द है, बीइंग फ्लेक्सिबल, आप नोट डाउन कीजिए प्लीज, ठीक है। तो पहला फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड, उसकी हालत कैसी है बाहर से, ये हो गया सिंपल भाषा में भी लिखो, नो प्रॉब्लम। सेकंड है लस्टर, लस्टर मतलब उसका शाइनिंग, पॉलिश होना। थर्ड पॉइंट हमारा था हार्डनेस, वो हार्ड है, कितना हार्ड है, तो मेटल हार्ड होता है। डक्टिलिटी मतलब बीइंग फ्लेक्सिबल। फिफ्थ पॉइंट है मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब क्या, मेलेबिलिटी मतलब बीइंग शेप्ड। डक्टिलिटी मैंने क्या बोला, बीइंग फ्लेक्सिबल, मेलेबिलिटी मैंने क्या बोला, बीइंग शेप्ड। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसको खींचोगे तो फ्लेक्सिबल है वो, खींच जाता है। मेलेबिलिटी मतलब बीइंग शेप्ड बताया, तो उसको अगर आप मारोगे हैमर से, हथौड़े से, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शेप्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि टेक एन आयरन नेल, प्लेस इट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड कीप हैमरिंग। एक आयरन नेल लो, उसको हैमर करो, तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी थिन शीट बन जाती है ना। एक आप लोहे का एक ऐसा मोटा शीट लो, या एक लोहे का क्या बोलते हैं, लोहे का जो गोल शेप का जो आता है ना लोहा, जैसे जब रॉ फॉर्म में जब लोहा लोहा आता है ना, तो मोटा होता है, ठीक है। तो उसको आप पकड़ के मारो 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 हथौड़े से, तो क्या हो जाएगा, वो एक शीट, पतली शीट जैसे बन जाएगा, ठीक है। नाउ कंडक्शन ऑफ हीट, टेक अ कॉपर प्लेट, फिक्स सम वैक्स ऑन इट्स एंड एंड यू, हमको क्या करना है ना, हमको एक कॉपर प्लेट लेनी है। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब क्या, क्या हीट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने एक अगर कॉपर शीट ली, और समझ लीजिए वो 10 फीट की है,
अगर मैं एक साइड में उसको हीट दूंगा तो दूसरी साइड में वो गर्म होगा क्या? यस, अगर मैं लोहे की शीट लेता हूँ या लोहे का रॉड लेता हूँ, एक साइड में गर्म करूंगा, दूसरी साइड में उसकी गर्मी महसूस होगी क्या? यस, मतलब कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब हीट पास हो रहा है। सेम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, मैंने एक एंड पे अगर मैं एक साइड में क्या करूँगा ना, मैं वो मेटल का रॉड रख दूंगा, आप उसको अपने साइड में पकड़िए, मैं एक साइड से उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ। आप देखिए शॉक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली हमारे इंस्टीट्यूट में हो चुका है, अनजाने में हो चुका है, बट हो चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है, इसका मतलब क्या, कंडक्शन ऑफ हीट है। यस, मेटल इज अ कंडक्शन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या क्या सीखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, फिजिकल स्टेट, लस्टर, फर्स्ट है फिजिकल स्टेट, सेकंड है लस्टर, थर्ड है हार्डनेस, फोर्थ है डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या, गाढ़ापन। गाढ़ापन कितना है, मेटल हाई डेंस है, मेटल क्या है, हाई डेंस है। डेंस मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत चिपक चिपक के जमे हुए हैं, इसके लिए तो डेंस है ना। हम घर पे कोई चीज़ बनाते हैं, आप लड्डू बनाते हो, ठीक है, लड्डू को आप जो उसका किससे बनता है, रवा से बनता है, सूजी से बनता है, जिससे भी बनता है, ठीक है, तो उसको आप हल्के से रखो, हल्के से उसको जब वो बनाते हैं, प्रोसेस होती है, तब घर में आप चेक कीजिए, उसको थोड़ा सा प्रेस करके उसको दबाया जाता है। क्यों दबाया जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अच्छे से एक दूसरे को चिपक जाए, डेंस हो जाए, गाढ़े हो जाए, तो गाढ़े हो जाएंगे ना तो चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे तो क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाएगा, तो अगर लूज रहेंगे तो वो लड्डू ही नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो बिखरे हुए रहेंगे, तो बिखरे हुए रहेंगे मतलब क्या, डेंसिटी कम है, गाढ़ापन कम है, और अगर जुड़े हुए हैं तो गाढ़ापन ज्यादा है, तो मेटल हाई डेंसिटी है, इसीलिए स्ट्रांग है, इसीलिए वो हार्ड है ना, और इसीलिए उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ठीक है, और इसीलिए वो कंडक्शन ऑफ हीट है, और इसीलिए वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है। अब क्योंकि वो हीट है, क्योंकि वो हाई डेंसिटी है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वो पिघलता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वो उबलता है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सोनोरिटी। व्हाट इज सोनोरिटी, सोनोरिटी मीन्स बीइंग साउंड। आप एक लोहे की बेल लेते हो ना, बेल, रिंग बेल, उसको मारते हो तो उसका टंग जो बजता है ना, वो कहाँ तक जाता है, स्कूल के एक कॉर्नर में बजेगा, तो स्कूल के लास्ट कॉर्नर तक भी आवाज जाता है। क्यों? बिकॉज मेटल हैज मेटल हैज शब्द भूल गया, सॉरी, मेटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ बीइंग सोनोरस। क्या है बीइंग सोनोरस, मतलब वो, हाँ यहाँ पे लिखा है, देखो, मेटल हैज सोनोरस, ठीक है, तो जब उसको स्ट्राइक करोगे तो वो सोनोरस मतलब साउंड करने का कैपेसिटी है उसका। साउंड तो लकड़ा भी करता है, कोई भी चीज कर लेती है, बट साउंड तो ऐसा थप्पड़ मारोगे तो वो भी हो जाता है, बट सोनोरस मतलब आवाज ऐसे निकलना जो सुनाई दे, जबरदस्त आवाज निकलना, सो दैट इज सोनोरस। तो हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि मेटल क्या होता है, हमने ये सीखा कि मेटल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक।